माय चैनल, ये देखिए मेरा एडेनियम का प्लांट है और इसको आज हम रिपोर्टिंग करेंगे। और पहले इसकी देख लिया आप, ये इसकी जड़ें कितनी ज़्यादा हैं। और इसको ये देखिए, अब हम लोग थोड़ा नीचे से बोएंगे। अब ये देखिए, यहाँ से मेरा कॉर्डेक जो है ये इतने यहाँ तक मिट्टी थी, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा नीचे से इसको डालेंगे, मिट्टी में बोएंगे, क्योंकि यहाँ से फिर ये कॉर्डेक और निकल आया है एक्स्ट्रा। ये बड़ी बड़ी जड़ें, ये सब दिखने में खूबसूरती होती है इसकी, यही मेन है। तो इसको हम लोग थोड़ा नीचे से बोएंगे और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा, कितना खूबसूरत प्लांट, ऐसे अच्छा लग रहा है, आप लोग देखिए। और इसकी मिट्टी में ज़्यादातर आप देख बालू है, और जो वो होती है बजरी, वो ज़्यादा वो उसमें डालेंगे, और उसके साथ में हम लोग खाद मिला देंगे। खाद पहले से मिली हुई है इसमें, और आप देख सकते हैं जो छोटी छोटी जड़ें हैं वो भी इसमें डाल दिया, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये बाद में खाद हो जाएगी। और आप फिर अब दिखाते हैं इसको बो के, टाइट करके रखिए कि पेड़ ये हिल ना पाए, क्योंकि ये इतना भारी पेड़ है तो ये हिल सकता है, इसलिए इसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी इसलिए। और पहले मेरा ये छोटे इसमें लगा हुआ था, ये देखिए छोटा सा है ये, अब इसमें ये बड़े पॉट में लगा दिया है मैंने, और इसकी मिट्टी सब साफ़ हो जाएगी, ये खूब अच्छा फिर लगेगा। और आप देख सकते हैं ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये देखिए। तो इसकी जड़ें सब साफ़ करिए, जड़ें दिखनी चाहिए, जितनी जड़ें इसकी ये कोटेक दिखेगा उतनी ही खूबसूरत लगेगा ये। बस इतना हो गया, अब ये हिल नहीं रहा है, बिल्कुल टाइट कर दिया है। दूर की मिट्टी नहीं टाइट करिएगा, ये भुरभुरी रहने दिएगा, ये जो जड़ों के पास की है टाइट टाइट कर रखिएगा। बस दोस्तों, फिर इंशाल्लाह जो है ये अपने ग्रोथ करेगा। इसमें जो है अब फ्लावर का टाइम ही है, फ्लावर आ रहे हैं इसमें, अब मैं दिखा सकती हूँ आपको, देखिए इसे फ्लावर आ रहे हैं। और ये हो गया है मेरा एडेनियम तैयार, इधर से भी देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए ये अभी साफ़ हो जाएंगे ये सब मिट्टी, तो और ख़ूबसूरत लगेगा। चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।